नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में भी बिहार में चुनावी मौसम दिन ब दिन और भी रंगीन होता जा रहा है, जहां राजनीतिक पार्टियों के साथ कई नए चेहरे भी अपनी जीत को लेकर हर संभव कोशिशें कर रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव की सबसे खास बात यह है कि कोरोना काल में जहां 90 दिन पूरे देश भर में लॉकडाउन रहा, रेल हवाई जहाज समेत सारी यातायात व्यवस्था बंद कर दी गई, स्कूल कॉलेजों में ताले लगे रहे, छोटी बड़ी सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिए गए, खेल मनोरंजन पर भी रोक लगा दी गई, मगर चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव निर्धारित समय पर ही आयोजित होने का निर्णय लिया। अब चुनाव के करीब आते ही प्रत्याशियों और नेताओं में चुनाव की लहर इतनी बढ़ गई है कि कोरोना के खतरे को भूलते ही चले जा रहे हैं। चाहे वह चुनावी आयोजन हो या फिर प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की प्रक्रिया, लोगों की भीड़ लगी ही रही, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मानो मजाक सा बन गया। चुनाव तो रोमांचक होना ही था, क्योंकि मौजूदा सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो विपक्ष उनकी नाकामियों को। पार्टियां अपने अपने नारे इस तरह लगा रही है जैसे लड़ाई आजादी की हो, मगर ये लड़ाई कुर्सी और सत्ता में सरकार बनाने की है, जिसमें पार्टियां एक दूसरे पर कभी सीधा तो कभी टेढ़ा निशाना साधती है। पार्टियां अपने अपने एजेंडे को जनता के समक्ष रख रही हैं और कई प्रत्याशी तो अपने जीत का दावा भी कर रहे हैं। चुनाव की तैयारियां भी काफी तेजी से चल रही है, जिसमें प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी आज समाप्त हो गई। तो ये चुनावी हलचल तो हर चुनावी साल देखी जाती है, मगर सवाल ये है कि ये हलचल चुनाव के बाद कितना रंग लाती है। क्या प्रत्याशियों को जनता की समस्याओं को दूर करने की लगन उतनी ही है जितना कुर्सी पाने की? तो सवाल तो अनेक होंगे, मगर जवाब समय आने पर ही पता चलेगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।